इधर दिया है सर, यहाँ पर चौका घाट की तरफ है, चौका घाट नहीं सर प्रोडक्ट करवा रहे हैं। अभी ना तो ज्यादा से ज्यादा लोग समझ पाएंगे इसको। ये अभी ऑन है? जी सर ऑन है। रेडी है? देखिए माननीय चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं के बीच में जो वीवीपैट है, जो इलेक्शन जो ईवीएम मशीन है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए और कैसे वोट डाला जाता है इसके बारे में जानकारी देने के लिए ये हर एक गांव को विज़िट करना है, हर एक केंद्र को विज़िट करना है। और हमको चार गाड़ियाँ मिली और 25 जनवरी से इसकी हमने नमोघाट से रवानगी किया गया और अभी भी ये चल रहा है, ये 23 तारीख तक चलेगा। अब तक हम 4 विधानसभा कवर कर चुके हैं और बाकी 4 विधानसभा में ये कवर कर रहे हैं और 23 तारीख तक ये सारे विधानसभा, इस तरह के हमारे 8 विधानसभा कवर हो जाएगी। एक रजिस्टर रखे हैं, कितने लोग इसका वो वहाँ पर आते हैं, वोट डाल के भी वो अपना उसको एक अनुभव मिलता है कि कैसे ईवीएम वीवीपैट में कैसे वोट डाला जाता है। क्या है इसका उद्देश्य? जैसे लोगों को जो पहली बार वो डालने जा रहे हैं या ईवीएम या वोट वीवीपैट कैसे रहेगा उसके बारे में यदि जानकारी लेना हो, इसमें जैसे डमी कैंडिडेट्स और डमी बैलेट पेपर्स और वो पूरा उसमें लगा हुआ है, जैसे कैसे बटन दबाने पे कैसे आवाज़ आती है और वो स्लिप कितने सेकेंड रुकती है, कैसे देखना है, ये पूरा अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। नहीं सभी के लिए, ये ऐसा कोई रोक नहीं है, कोई भी अगर जानकारी करना चाहता हो तो वो करके देख सकता है। सर ऐसे कि कुछ मतदान सूचना विभाग से गायब रहता है, सूचना से जो है लिस्ट नाम गायब रहता है, उनको कैसे जोड़ेंगे लोग? नहीं अभी भी जोड़ने का समय है। देखिए अभी जो अंतिम प्रकाशन के बाद भी यदि किसी का नाम अगर छूटा हो, हम भी तो अपील कर रहे हैं और कई नई मतदाताओं को ऐड भी किए हैं, तो अगर किसी का नाम छूटा अभी भी फॉर्म 6 वो भर सकते हैं। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा ये वोटर हेल्पलाइन ऐप है, तो आपको कहीं जाने का भी ज़रूरत नहीं है, आपके मोबाइल प्ले स्टोर में डाउनलोड करके आप खुद ही अपना फॉर्म 6 अपलोड कर सकते हैं। तो अभी जिनका नाम अगर किसी का छूटा भी हो तो आप अभी भी नाम अपलोड कर सकते हैं। ठीक।